हेलो एवरीवन वेलकम टू एस यू पी पी एस सी मेरा नाम वंदना सिंह है ये हमारा टेस्ट सीरीज एंड करंट अफेयर कोर्स है आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर सकते हैं चलिए हम ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर वन मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू लिस्ट वन में कुछ डैम गिवन है लिस्ट टू में कुछ रिवर गिवन है आपको बताना है कि ये डैम कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है इसका आंसर है आंसर सी फोर थ्री टू वन तो उकाई डैम जो है वो ताप्ती रिवर के ऊपर है जो गुजरात में है भाकरा जो डैम है वो सतलुज रिवर के ऊपर है हिमाचल प्रदेश नागार्जुन सागर डैम कृष्णा रिवर ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पड़ता है और पंडोर डैम है ब्यास रिवर हिमाचल प्रदेश तो क्वेश्चन नंबर वन का आंसर हो गया सी फोर थ्री टू वन क्वेश्चन नंबर टू द सॉइल formed बाय wind डस्ट इन एंड अराउंड हॉट डेजर्ट इज कॉल्ड तो हॉट डेजर्ट में जो सॉइल फॉर्म्ड होती है उसे क्या कहते हैं इसका आंसर है आंसर डी लॉइस सॉइल तो लॉइस सॉइल क्या होता है एक पेल और लूजली पैक्ड सॉइल होती है जो बहुत ईजली क्रम्बल हो जाती है बेसिकली ये जो सॉइल होती है ये कैसा सेडिमेंट होता है जिसमें डोमिनेंट जो होता है वो फाइन सेंड और क्ले का होता है और बेसिकली जो इसका ओरिजिन होता है वो विंड ब्लोन इरोजन होता है मतलब जब विंड डस्ट उड़ती है तो जो सॉइल बनती है उसको हम लॉइस सॉइल कहते हैं तो क्वेश्चन नंबर टू का आंसर हो गया डी क्वेश्चन नंबर थ्री च वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द नर्मदा बेसिन तो यहाँ कुछ स्टेट गिवेन है आपको बताना है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो नर्मदा बेसिन का हिस्सा नहीं है तो इसका आंसर है आंसर सी राजस्थान तो जो नर्मदा बेसिन है वो लार्जली जो लार्ज एरिया कवर करती है वो मध्य प्रदेश और गुजरात में करती है और कंपेर्ट जो स्मॉल एरिया जो कवर करती है वो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में करती है तो राजस्थान जो है वो नर्मदा बेसन का पार्ट नहीं है क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर हो गया सी राजस्थान क्वेश्चन नंबर फोर एल्बिडो इफेक्ट विल बी रिलेटिवली हायर इन तो जो एल्बिडो इफेक्ट है वो ज़्यादा कहाँ हायर होता है इसका आंसर है आंसर ए अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग तो अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में जो एल्बिडो इफेक्ट है वो हायर होता है एल्बिडो इफेक्ट हायर होने का मतलब ये है कि जो हमारी पृथ्वी होती है वो मोर रिफ्लेक्टिव हो जाती है मोर रिफ्लेक्टिव का मतलब ये हो गया कि जब सन रेज हमारी जब पड़ती हैं तो रेडिएशन जब हमारी पड़ती हैं तो जो अर्थ है वो मोर जो हीट है वो उसको रिफ्लेक्ट कर पाती है मतलब जो रिटर्न स्पेस को जो रेडिएशन है वो स्पेस में ज़्यादा भेज पाती है जिससे जो हमारा प्लानट होता है वो कूल cool हो जाता है तो ये जो एल्बिडो इफेक्ट जो हायर होता है वो सुबह के टाइम होता है और देर शाम होता है इस टाइम क्या होता है कि मोर नंबर ऑफ जो रेडिएशन है वो स्पेस में ज़्यादा रिटर्न कर पाती हैं और प्लानेट हमारा कूल cool होता है और ये बेसिकली इसलिए होता है कि इस टाइम जो होता है कि अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में जो हमारी सन रेज होती हैं वो स्लांट होती हैं तो इसकी वजह से एल्बिडो इफेक्ट उस टाइम हायर होता है एज कम्पेयर टू अदर टाइम तो क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर हो गया ए अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग क्वेश्चन नंबर फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स आर सिचुएटेड इन लद्दाख तो यहाँ आपको कुछ लेक गिवन है आपको बताना है कौन सी लद्दाख में है वन तसोकर टू पेंगोंग तसो, त्री तसोंगो फोर तसो, तसो मोरिर। तो यहाँ आपको बताना है कि कौन सी लद्दाख में है इसका आंसर है आंसर सी वन टू एंड फोर तो वन टू एंड फोर जो लेक्स हैं वो लद्दाख में हैं। तसोकर जो हो गया पेंग पेंगोंग तसो एंड तसो मोरियल ये तीनों जो लेक हैं वो लद्दाख में हैं और तसमगो जो लेक है वो लद्दाख में नहीं है बेसिकली ये जो लेक है वो सिक्किम के अंदर पाई जाती है और तसमगो लेक को जो सिक्किम में चंगू लेक भी कहते हैं तो क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर हो गया सी वन टू एंड फोर क्वेश्चन नंबर सिक्स विद मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू तो लिस्ट वन में आपको कुछ लेक्स गिवन है और लिस्ट टू में इस टाइप ऑफ लेक मतलब ये किस प्रकार की लेक है वो गिवन है आपको इसको मैच करना है तो इसका आंसर है आंसर डी थ्री वन टू फोर जो भीमता लेक है वो एक टेक्टोनिक लेक है और ये उत्तराखंड में पाई जाती है और अष्टमुडी जो लेक है वो एक लगून लेक है और केरला में पाई जाती है और गोहाना लेक एक लैंड लेक लेक है मतलब इसको जो लैंड स्लाइन लैंड स्लाइड जब आई थी उत्तराखंड में तो इस लेक का जो फॉर्मेशन हुआ था तो उत्तराखंड में पाई जाती है और लोनार लेक एक क्रेटर लेक है और ये महाराष्ट्र में पाई जाती है तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर हो गया डी थ्री वन टू फोर टेक्टोनिक अष्टमुडी लगून और गोहना लैंडस्लाइड और लोनार क्रेटर क्वेश्चन नंबर सेवन मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू लिस्ट वन में कुछ आपको इंडस्ट्रियल टाउन्स गिवन है एंड लिस्ट टू में कुछ कंट्रीज गिवन है आपको लिस्ट वन से लिस्ट टू को मैच करना है तो इसका आंसर है आंसर ए फोर वन थ्री टू तो लिवजिंग जो है वो जर्मनी में है डेट्रॉइट यूएसए, लॉरेन फ्रांस एंड कंबरलैंड जर्मनी तो क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर हो गया ए फोर वन थ्री टू क्वेश्चन नंबर एट देर इज अ हैवी रेनफॉल ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया बट वेरी लिटिल इन द डिन बिकॉज तो जो वेस्टर्न कोस्ट है इंडिया का वहां बहुत ज्यादा हेवी रेनफॉल होती है लेकिन जो डक्कन है उसमें जो रेनफॉल होती है वो बहुत कम होती है इसका क्या रीजन है तो इसका आंसर है आंसर ए द डेकन प्लेटू इज सिचुएटेड इन द रेन रेन शेडो ऑफ वेस्टर्न घाट तो जो डेकन प्लेटू है वो वेस्टर्न घाट के रेन शेडो में सिचुएटेड है इसलिए वहां ज जो है वो कम होती है तो क्वेश्चन नंबर एट का आंसर हो गया ए क्वेश्चन नंबर नाइन मैच द फॉलोइंग तो यहां आपको कुछ इंडस्ट्रीज गिवन है आपको बताना है कि ये कहां कहां सिचुएटेड है इसका आंसर है आंसर ए टू वन फोर थ्री तो जो पर्ल फिशिंग है वो टूटी कोरिन में होती है तमिलनाडु ऑटोमोबाइल्स पुणे एंड शिप बिल्डिंग मरमा और इंजीनियरिंग गुड्स जो हैं वो मिलते हैं पिंजौर में जो हरियाणा है। तो क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर हो गया ए टू वन फोर थ्री क्वेश्चन नंबर टेन विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट लोकेटेड ऑन एशरी तो ऐसा कौन सा पोर्ट है जो एशरी पे सिचुएटेड है तो इसका आंसर है आंसर बी मर्मा तो मरमा एक बहुत इंपॉर्टेंट uh, पोर्ट है गोवा का और ये जो सिचुएटेड है वो एंट्रेंस जुवारी एस्यूरी पे सिचुएटेड है तो मरमा गांव जो पोर्ट है इनमें से वो एक एस्यूरी पे सिचुएटेड है तो क्वेश्चन नंबर टेन का आंसर हो गया बी मरमा क्वेश्चन नंबर इलेवन द रेशियो ऑफ द क्रॉस क्रॉप्ड एरिया टू द नेट सोन एरिया इज कॉल्ड तो जो रेशियो है ग्रॉप ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया और नेट सोन एरिया का उसको क्या कहते हैं इसका आंसर है आंसर ए करोपिंग इंटेंसिटी तो बेसिकली जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो रेशियो है टोटल क्रॉप्ड एरिया जिसको हम ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया भी कहते हैं टू द नेट सोन एरिया क्वेश्चन नंबर इलेवन का आंसर हो गया ए क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पीर पंजल इन द हिमालया इज अ पार्ट ऑफ तो हिमालय में जो पीर पंजल है वो कौन से हिमालय का पार्ट है तो इसका आंसर है आंसर डी लेसर हिमालय तो पीर पंजल जो रेंज है वो लेसर हिमालज में पड़ती हैं बेसिकली जो रेसल लेसर हिमालज है वो हमारा सिचुएटेड है ग्रेट हिमालज और शिवालिक के बीच में तो ग्रेट हिमालयाज हमारे नॉर्थ में हो गए शिवालिक हमारा साउथ में हो गया और बीच में जो है हमारा लेसर हिमालज पड़ते हैं और जो ये पीर पंजल रेंज है वो एक्सटेंड होती है झेलर रिवर से और अपर ब्यास रिवर तक तो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ का आंसर है कि पीर पंजल जो है वो लेसर हिमालय का पार्ट है तो डी लेसर हिमालय नंबर थर्टीन अरेंज द फॉलोइंग हिल स्टेशन इन टर्म्स ऑफ द हाइट फ्रॉम द मीन सी लेवल तो इन सारे हिल स्टेशन को आपको अरेंज करना है कि इनका जो मीन सी लेवल है उनसे कौन किस हाइट में है तो इसका आंसर है आंसर ए थ्री टू फोर वन तो जो सबसे ज़्यादा हाइट पे है वो ऊटी है वो अराउंड टू टू फोर ज़ीरो मीटर के अराउंड है फिर शिमला टू टू ज़ीरो सिक्स मीटर के अराउंड और फिर दार्जिलिंग हो गया दार्जिलिंग बेसिकली लेसर हिमालय का पार्ट है तो ये टू ज़ीरो फोर टू मीटर के अराउंड है और मसूरी जो है वो टू थाउजेंड या टू थाउजेंड फाइव मीटर के अराउंड इसका मीन सी लेवल पे हाइट है तो क्वेश्चन नंबर थर्टीन का आंसर हो गया थ्री टू फोर वन तो मतलब पहले ऊटी फिर शिमला फिर दार्जिलिंग एंड देन मसूरी क्वेश्चन नंबर फोर्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर फाउंड इन हाइएस्ट एंड लोएस्ट क्वांटिटीज रेस्पेक्टिवली इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ तो कौन सा एलिमेंट जो अर्थ क्रस्ट में हाइएस्ट और लोएस्ट क्वान्टिटी में पाया जाता है तो इसका आंसर है आंसर डी ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम तो ऑक्सीजन जो है वो हाईएस्ट क्वांटिटी में पाया जाता है और मैग्नीशियम जो है वो लोएस्ट क्वांटिटी में पाया जाता है और अगर हम इसका सीक्वेंस देखें कि अर्थक्रस्ट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं मतलब इनका अरेंज करें तो सबसे ज़्यादा हो गया ऑक्सीजन फिर सिलिकॉन फिर एलमियम आयरन कैल्शियम सोडियम पोटेशियम एंड मैग्नीशियम तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा और मैगनीशियम सबसे कम तो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का आंसर हो गया डी ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू लिस्ट वन में आपको कुछ फार्मिंग एरिया गिवन है एंड लिस्ट टू में कुछ वो फार्मिंग एरिया कौन से स्टेट में मिलते हैं वो गिवन है और आपको इसको चूज करना है तो इसका आंसर है आंसर बी थ्री वन टू फोर तो दुआब जो है वो पंजाब में मिलता है बेसिकली दुआब एक ऐसा लैंड होता है जो दो कन्वर्जिंग रिवर या कन्फ्लुएंट रिवर के बीच में पाया जाता है और ये एक लो लाइंग एरिया है जैसे कोई फ्लड प्लेन प्लेन हो गया और ये बहुत ही हाईली फर्टाइल एरिया होता है जो चार है वो असम के अंदर मिलता है एंड मैदान जो फार्मिंग एरिया है वो कर्नाटका में पाया जाता है एंड तराई जो रीजन है वो उत्तर प्रदेश हो गया या फिर नेपाल का एरिया हो गया कुछ उत्तराखंड का एरिया भी हो गया उसमें मिलता है तो तराई रीजन उत्तर प्रदेश में तराई रीजन एक लो लैंड रीजन है जो नॉर्दर्न इंडिया में मिलता है और बेसिकली जो ये रीजन जो पाया जाता है जो हिमालयाज होते हैं उनके जो आउटर फुटहिल्स होते हैं उसके साउथ में ये रीजन पाया जाता है तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन का आंसर हो गया बी थ्री वन टू फोर दुआब पंजाब चार आसाम मैदान कर्नाटका तेराई उत्तर प्रदेश तो क्वेश्चन फिफ्टीन का आंसर हो गया बी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ये हमारा डेली क्विज है जो हम टेलीग्राम पे कंडक्ट कराते हैं आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके डेली क्विज़ में पार्ट ले सकते हैं ये बिल्कुल फ्री है थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट